तो ये रहा हमारा AJU आर्का यूनिवर्सिटी का मेन गेट, ये रहा। और वी हैव टू शो आवर आईडी कार्ड। गार्ड भैया लोग बैठे रहते हैं, चेक करते हैं आइडेंटिटी कार्ड। कोई बात नहीं, गजब बेइज्जती है। ओके, सो अभी हम लोग का वाइवा कंप्लीट हो चुका है। देख भाई, तो चलिए नेक्स्ट कैफे की ओर बढ़ते हैं। भैया अवेलेबल क्या क्या है अभी? सबसे बड़ी भूखड़। हे एवरीवन, आई एम रितेश एंड आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। और दोस्तों, आज कॉलेज का हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि आज हम लोग का वाइवा और प्रेजेंटेशन ख़त्म होने वाला है और उसी के साथ हम लोग का कॉलेज लाइफ भी ख़त्म होने वाली है। सो आज हम कॉलेज का टूर करेंगे और वहाँ का कैंपस आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ का, एंड अपने दोस्तों लोग से मिलाएंगे, वहाँ का कैंटीन, लाइब्रेरीज, एवरीथिंग। वी विल शो यू एवरीथिंग। एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने रूम से और अभी हम लोग नीचे जाएंगे, वहाँ से एक फ्रेंड आएगा, वहाँ से लेकर के हम लोग उसे और साथ में हम लोग कॉलेज निकलेंगे। और यहाँ पे हमारा एक मित्र है, मेरा रूममेट मुरली प्रधान। कैसा है? चलो बढ़िया है। निकलते हैं हम लोग कॉलेज के लिए, काफ़ी देर हो चुकी है एंड अभी बज रहे हैं लगभग 10:30। सो चलिए मिलते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शुभम आ चुका है। कैसा है भाई, बोल बे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही है यार। चलो यहाँ पे मुरली है, अपने हम लोग निकलेंगे कॉलेज की ओर और आगे बने रहिए, ठीक है? तो दोस्तों, हम लोग अभी रूम से निकल चुके हैं और ये बगल में ही एक बहुत ही फेमस सा होटल है, होटल रमाडा, और उसके जस्ट बगल में होटल अल्कोर है। दोनों 3-स्टार 4-स्टार हैं। और इसी के साथ हम लोग शास्त्री नगर वाले रोड में इंटर कर रहे हैं और वहीं से हम लोग मरीन ड्राइव वाले रास्ते से आगे निकल जाएंगे, ठीक है? सो दोस्तों, ये है मरीन ड्राइव, जमशेदपुर का मरीन ड्राइव, जो कि काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी लंबा इसका डिस्टेंस है, काफ़ी 8-9 किलोमीटर लगभग में इसकी दूरी। और ये रहा आदित्यपुर का ब्रिज, ठीक है, टोल ब्रिज, आगे टोल गेट है, आदित्यपुर का टोल गेट आगे है और ये डायरेक्ट हम लोगों को कमरिया कांड्रा इधर निकाल देती है। तो दोस्तों, ये रहा आदित्यपुर का टोल गेट और इसी से हम लोग बगल से निकल जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकल पीपल्स के लिए और टू व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो बस हम लोग साइड से निकल जा रहे हैं, ठीक है? और ये हम लोग निकल चुके हैं मेन रोड, यही है टाटा रांची का मेन रोड। ये आगे चल करके गम्हरिया निकाल देता है, कांड्रा निकाल देता है और ये इधर से भी रांची हम लोग जा सकते हैं। और बस आगे ही हम लोग का कॉलेज का रास्ता इधर से ही जाता है। तो ये कितना खूबसूरत सा बिल्डिंग आप लोग को दिख रहा है, बस इसी रोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं अपने बाइक में ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ से फिर हम लोग कॉलेज वाले रास्ते में ही एंटर करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस बने रहे हैं ना। तो फाइनली हम लोग गम्हरिया पहुँच चुके हैं और ये रहा यहाँ का लाल बिल्डिंग, और इसलिए इस चौक का नाम है लाल बिल्डिंग चौक। बस आगे वाले टर्निंग में ही हम लोग अपने कॉलेज वाले रास्ते में एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी मेन रोड से हट चुके हैं और अपने कॉलेज वाले रास्ते में एंटर करने जा रहे हैं। और ये देखिए, हम लोग का कॉलेज का होर्डिंग लगा हुआ, वो 2.5 किलोमीटर यहाँ से हम लोग का कॉलेज है। और आप लोग को बता दें कि यहाँ का रोड का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, और इतना धूल मिट्टी खाते हुए हम लोग आते हैं, पता भी नहीं चलता है, पूरा ड्रेस गंदा हो जाता है हम लोग का। और कर भी क्या सकते हैं, कॉलेज तो आना पड़ेगा, है ना। बेसिकली ये एक गांव है जो कि सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में आती है और हम लोग का जो कॉलेज का डिस्टेंस है टोटल हमारे रूम से, वो नहीं भी तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में होगा, ठीक है? तो इतना हम लोग को
डेली ट्रेवल करना पड़ता है जब भी कॉलेज जाना पड़ता है तो, और ये रोड बस किसी तरह से पार करना पड़ता है तो मुसीबत। आई थिंक यहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा कि मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉलेज, इट्स अ यूनिवर्सिटी नेम्ड अर्का जैन यूनिवर्सिटी झारखंड, जो कि जमशेदपुर में है और ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये रहा कॉलेज का बाहर का व्यू, बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा। और ये रहा हम लोग का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा फ्रंट गेट ऑफ अर्का जैन यूनिवर्सिटी। अभी हम लोग पार्किंग एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना बाइक पार्क करेंगे और फिर वहाँ से वापस लौटेंगे। ये रहा हमारा शुभजीत, डेवलपर, कोडर, प्रोग्रामर। दिस इज द पार्किंग जोन। अर्का जैन के स्टूडेंट्स काफी सिंसियर हैं और काफी डिसिप्लिन भी। ये यहाँ पे मुरली बाइक नंबर मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे सब लिखना पड़ता है। बाइक वाइक चोरी हो जाएगा फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो चाचा जी आराम से बैठे हुए वहाँ पे धूप के कारण से। तो ये रहा हमारा AJU जो कि JGI ग्रुप का ही ये है, यहाँ पे ब्रांच है अर्का जैन यूनिवर्सिटी का मेन गेट ये रहा। और वो रही अंकिता, देखो इधर देखो। यहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना होता है थ्रू आईडी कार्ड और वी हैव टू शो आवर आईडी कार्ड। गार्ड भैया लोग बैठे रहते हैं, चेक करते हैं आइडेंटिटी कार्ड। ये रहा। कोई बात नहीं, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे है बस रखने का जगह, यहाँ पे काफ़ी बसेस खड़े रहते हैं जो स्टूडेंट्स लोग को अपने घर तक ड्रॉप करते हैं, कॉलेज लाते हैं। ये यहाँ का इनसाइड कैंपस है। वो सामने दिख रहा है वो ए ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, काफ़ी सारे अंदर ब्लॉक्स हैं, आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिएगा। सो यहाँ पे हम लोग का ए ब्लॉक का मेन गेट ये रहा। पहले ये कॉलेज का मेन गेट हुआ करता था बट फाइनली बाहर एक अच्छा सा सुंदर सा गेट बन चुका है। सो ये पहले एंट्री गेट हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे कीविंग है यहाँ पे, और ये हम लोग का कॉलेज का ए ब्लॉक का कैंपस काफ़ी सुंदर है। हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे आए थे एंड यहाँ पे हम लोग बास्केटबॉल काफ़ी खेले हुए हैं, वॉलीबॉल वहाँ पे खेले हुए हैं, और होली का भी जो फंक्शन हुआ था वो फर्स्ट ईयर में हम लोग का यहीं पे हुआ था, ठीक है, इसी में हुआ था। वहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है वो, वहाँ पे पिच था, यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता था मैच क्रिकेट मैच का। एंड ये रहा हम लोग का बिल्डिंग ए ब्लॉक का अर्का जैन यूनिवर्सिटी। तो अब हम लोग ई ब्लॉक की ओर जा रहे हैं। ई ब्लॉक ए ब्लॉक के अंदर वाले कैंपस में ही है और ई ब्लॉक से हम लोग का कोई लेना देना नहीं रहा है, इसमें पता नहीं किस डिपार्टमेंट का क्या चलता है, बट फिर भी साइड में है तो इसका भी व्यू आप लोग देख ही लीजिए। ये हम लोग का ई ब्लॉक का बिल्डिंग देख सकते हैं, वही ए ब्लॉक से ही कनेक्टेड है ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके सो अभी हम लोग का वाइवा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंटेशन काफ़ी मुश्किल हुआ था हम लोग का प्रेजेंटेशन देने में, टीचर्स लोग बहुत कचैन किया, बहुत परेशानी किया। देख भाई हेलो अभी हम लोग को भूख लगा हुआ और अभी हम लोग कैंटीन की ओर बढ़ेंगे। सो चलिए कैंटीन दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये हमारा सी ब्लॉक का बिल्डिंग है। और ये हम लोग का फेयरवेल जो हुआ था उसी का कुछ एक झलक है। ये हम लोग का एंट्री हुआ था, काफ़ी शानदार एंट्री था कल का। यहाँ पे हमारे दो मित्र बैठे हुए क्लास मेंबर्स खा रहे हैं। वो रहा हम लोग का ग्राउंड जहाँ पे हम लोग का फेयरवेल हुआ था कल, और हम लोग बढ़ रहे अभी कैंटीन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा बी ब्लॉक दिख रहा है, ये बी ब्लॉक है, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है और वो अभी बन ही रहा है बिल्डिंग, वो ई ब्लॉक है। ये हम लोग कैंटीन का रास्ता, बस किसी तरह काम चल रहा है, कैंटीन है, कुछ मिल जाता है और क्या चाहिए। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या अवेलेबल चल रहा है। सैंडविच बन रहा है, मैगी तैयार हो रहा है, बोंडा निकल रहा है। आशीष भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। तो अभी हम लोग का आ चुका है यहाँ पे
मैगी एंड बोंडा। तो अब हम लोग कैंटीन से निकल चुके हैं और अभी हम लोग सी ब्लॉक एंटर कर चुके हैं। थोड़ा लाइब्रेरी चला जाए। चलिए लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं अब हम लोग। ये हम लोग का लाइब्रेरी सबके लिए। यहाँ पे हर तरह का बुक्स अवेलेबल है, जिसको भी जो इशू करवाना रहता है कार्ड के थ्रू इशू करवा लेते हैं। ये अंदर का व्यू है लाइब्रेरी का। तो चलिए नेस्कैफे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं सामान वगैरह खाने के। ज़्यादातर तो कॉफ़ी, चाय, मैगी यही सब रखते हैं भैया। भैया अवेलेबल क्या क्या है अभी? और क्या है? कॉर्न चाट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गर्मी इतना ज़्यादा कि आइसक्रीम खाना पड़ रहा है आप सबको। देखिए कितना भूखड़ है ये, सबसे बड़ी भूखड़। यहाँ सब बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। सो फाइनली अब हम लोग का सब ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। फिनिश्ड एवरीथिंग। अब सब अपने अपने घर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लास्ट बार अलविदा बोल देते हैं कॉलेज को। पता नहीं फिर कब आने का मौका मिले हम लोगों को। यहाँ से निकल जाते हैं। बाय बाय कॉलेज, अर्काजन यूनिवर्सिटी। मुलाकात होगी आपसे फिर कभी। वो जो दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है खाने को। एक तरह से वो अड्डा है लोगों का पीछे साइड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहीं पे हम लोग का कॉलेज जर्नी ख़त्म होता है। फाइनली हम लोग कॉलेज से अब जा रहे हैं, निकल चुके हैं। एंड पता नहीं फिर कॉलेज में कब आ पाएंगे, सारे दोस्त इकट्ठे हो पाएंगे। और देख लीजिए पीछे वो लोग भी हैं। काफ़ी मज़ा आया और ये पता भी नहीं चला हम लोग का 3 साल कैसे पार हो गया। एंड अच्छा रहा कॉलेज लाइफ, ऑलमोस्ट बढ़िया रहा। जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं रहा, क्योंकि कॉलेज काफ़ी दूर है, ना हॉस्टल है कॉलेज में, ना सही रास्ता है। हमको लग रहा है कभी कभार कॉलेज आना पड़ रहा था। ये रोड भी काफ़ी यादगार रहेगा हम लोग के लिए। एक टाइम था जब बसेस ख़राब हो गई थी और काफ़ी बारिश हुई थी उस टाइम। बसेस लेट भी थी, ख़राब हुई थी कुछ बसेस और लेट भी थी। उस टाइम हम लोग पैदल ये रास्ता तय किए थे, लगभग 2.5-3 किलोमीटर जो है पैदल हम लोग चल के आए थे, भींग भींग के आए थे। वो काफ़ी मेमोरेबल था हम लोग के लिए, काफ़ी मज़ा आया था उस दिन। तो दोस्तों फाइनली मैं अपना रूम पहुंच चुका हूं कॉलेज से। काफ़ी टाइम लग गया आने में और अच्छा खासा दूरी भी है कॉलेज। इतनी गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है आने जाने में, है ना, बहुत पसीना भी हुआ। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को ठीक लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया था, पूरा कोशिश किया था करने का, बट क्या है कि एक्चुअली मैं वाइबर प्रेजेंटेशन के टेंशन में रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ मुझे। और काफ़ी धूप भी था, सो इधर उधर घूमना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, है ना। तो काफ़ी ये होता है ना, थोड़ा सा एंग्जाइटी टाइप से ऐसा कुछ फील हो रहा था। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना ना पड़े, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।